जो तुरंत आंसर, जो हमारे तुरंत वाले आंसर हैं वो हम इनसे इजीली ले सकते हैं, राइट। अब इससे पहले कि मैं कुछ स्टार्ट करूं, आप लोगों का कोई अगर डाउट है तो पहले अगर डाउट लेना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। चैट बॉक्स में रोहन का क्वेश्चन आया है, क्या मैनिफेस्टेशन में ये हेल्प करेगा? मैनिफेस्टेशन इज डिफरेंट थिंग ना रोहन, मैनिफेस्टेशन एक अलग चीज है। अभी आप जो है इंटरप्रिटेशन सीख रहे हो, तो मैनिफेस्टेशन एक अलग चीज है। क्या कोई क्वेश्चन है या मैं स्टार्ट करूं? नहीं, मैं आ चुका हूं और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो टॉपिक है वो है अपना मॉक्स पटम से रिलेटेड, तो पहले वो कवर करते हैं, उसके बाद फिर जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो हम करेंगे। ठीक है, तो हम पहले अपना ठीक है, सेशन स्टार्ट करें। हाँ सेशन स्टार्ट कर लेते हैं पहले। ठीक ठीक है, है, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। ठीक है, तो तो आप लोग आप जिस मुझे ग्रुप में दिख जुड़े नहीं हैं रहे। उस ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, कब से हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, क्या है क्या नहीं है। और अभी हमारा जो मैम के साथ है ना, दो कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। पहला हमारा कोर्स है डाइस रीडिंग का, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, और फिर है मॉक्स पटम का। वो है क्या मॉक्स पटम का, मतलब क्या है और कैसे हम इससे प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अभी मिल जाएगी थोड़ी देर। यस मैम, आप स्टार्ट कर सकते अच्छा, आप आ चुके हैं ना? हैं। हाँ मतलब मैं हूँ या अभी और उधर है? ट्रैवलिंग पर ही हूँ मैं तो, खैर अभी अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। आपकी जी विकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, मैं हूँ हाँ अभी हाँ सबसे ठीक है जी। ठीक है ठीक है। ठीक, तो पहले जो है हम एक बार डाइस रीडिंग ले रहे हैं, स्टार्ट कर लेते हैं डाइस रीडिंग। हालांकि हमारी पिछले परसों जो हुआ था वेबिनार, उसमें मैंने काफी एक्सप्लेन किया था, बट एक बार एक छोटा सा ग्लिम्स हम दोबारा ले लेते हैं। डाइस रीडिंग जो है बेसिकली, पहले मैं आपको दिखाऊं कि होती क्या है डाइस। देखो, ये है हमारी डाइस, ये हमारी डाइस है, इनके द्वारा हम प्रिडिक्शन करेंगे। ये वाली हमारी डाइस है, राइट। तो अब ये डाइस जो है बेसिकली है क्या? डाइस अगर देखें समझें तो ये कोई नई विद्या तो है नहीं, वास्तव में ये नई विद्या नहीं है, ये एक बहुत पुरानी विद्या है। इसको हम इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं एस्ट्रागैलोमेंसी, एस्ट्रागैलोमेंसी ये विद्या जो है एक्चुअली साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुई थी। वहां पर जो लोग थे तो उनके सामने जब भी कोई समस्या आती थी तो उस समय पर जो चीजें अवेलेबल होती थी, अवेलेबल क्या होता था, उनके पास हड्डियां ही होती थी, तो वो क्या करते थे, जो शिप होती थी उनके पास उसकी हड्डियां ली और उनके ऊपर उन्होंने अपने तरीके से कोई कलर्स वगैरह वो करते थे, और कोई सिम्बोलॉजी वहां पर लिखते, कोई नंबर्स वहां पर लिखते, और उसके बाद वो अपने देवता के सामने, अपने डेटी के सामने डाल देते थे, है ना। वो क्या माना जाता था? वो माना जाता था कि इसके अंदर जो भी मेरे को हिंट मिल रहा है वो हिंट मेरे देवता का है, मुझे भगवान का दिया हुआ यही आदेश है, यही मुझे मानना है, यही मुझे करना है। और वो विद्या उस समय उनके हिसाब से 100% सटीक बैठती थी, राइट। उसके बाद ये जो विद्या थी, अब जैसे होता है ना कि जैसे मान लो कि मैंने तजुर्बा लिया, मैंने अब आप लोगों को सिखाया, आप लोगों ने तजुर्बा लिया, आपने आगे अपने और स्टूडेंट्स को सिखाया, या अपने क्लाइंट्स के साथ आपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, या इस विद्या को आपने अपना कर देखा। जब तक हम अपनाते नहीं हैं तब तक हमें समझ में नहीं आती है ना। तो उस समय पर ये विद्या फिर जब क्या हुआ, धीरे 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 पूरे यूरोप में वर्ल्ड वाइड फैलती चली गई, फैलती चली गई, क्योंकि सबको पता चलने लग गया कि हम इससे भी अपनी डे टू डे लाइफ के आंसर्स बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो ये वो विद्या है ना। जैसे बाकी तो डिटेल में मैंने अपने परसों के वेबिनार में भी काफी एक्सप्लेन किया था। अब इसमें जो है हम प्रडिक्शन
लेते कैसे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन के आंसर हम ले सकते हैं थ्रू आवर डाइस। डाइस जो हमारा तकरीबन 5 दिन का कोर्स रहेगा, इसमें जो है हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमारा डे 1, जब भी हम कोई भी ओकल्ट साइंस स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है कि पहले हमेशा हमें चक्रास पे काम करना होता है, क्योंकि हम ओकल्ट साइंस में काम कर रहे हैं ना, तो हमारा पहला दिन जो होती है, जो पहली क्लास रहेगी, वो हमारी होगी चक्रा बैलेंसिंग की, कि मुझे अपने चक्रा बैलेंसिंग किस तरीके से करने हैं, राइट। फिर हम अपनी काम करेंगे डाइस को, क्योंकि क्यों करना है मुझे चक्रास पे काम, क्यों करना है मुझे ऑरा पे काम। भाई अगर आप एनर्जी फील्ड में काम कर रहे हो तो अपने ऑरा पर काम करना तो बनता है, अपने चक्रास पर काम करना तो बनता है। अगर आपके चक्रास उस तरीके से वेल बैलेंस्ड हैं तभी तो आपकी ये चीजें उस तरीके से आपके साथ एक तरीके से मैच हो जाती है ना। हमने हर चीज को, जब हम ओकल्ट साइंस में चलते हैं, चाहे हम डाउजर करें, हम टैरो रीडिंग करें, हम आकाशिक रीडिंग करें, हम ओशो जेन करें, हम कोई भी करते हैं, तो सबसे पहले जरूरी क्या होता है, अपने चक्रास को देखना, कहीं मेरे कोई चक्रास ब्लॉक तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे चक्रास ब्लॉक हैं तो मैं उस डिवाइन मैसेज को अच्छे से पढ़ नहीं पाऊंगा, समझ नहीं पाऊंगा। आपकी जो तरंगे हैं, अब बात को ध्यान से समझना, अगर आप टैरो करते हैं या आप डाइस करते हैं या आप मोक्ष पट करेंगे, आपकी तरंगे अगर इसके साथ मैच हो रही हैं तभी तो आप उसको समझ पाओगे, तभी तो आप अपने लिए करोगे, तभी तो क्लाइंट के लिए करोगे। इसलिए जरूरी है अपने चक्रास पे काम करना, अपने ऑरा पे काम करना, हमारी डे 1 क्लास में यही रहने वाला है। फिर इसके बाद जो डे 2 क्लास होगी, वहां पर हम कुछ नंबर्स के बारे में सीखेंगे कि अब जब हम काम करेंगे तो इसमें हम काम करेंगे, पहला होगा डाइस 1 से सीखना। अगर मैं एक डाइस यूज करता हूं तो मुझे क्या आंसर मिलेंगे, एक डाइस में मुझे यूज करना है यस और नो के लिए, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्या मैं अपने बच्चे का डीपीएस में एडमिशन करवा दूं या फिर मुझे बच्चे के लिए होपोल में एडमिशन करवाना चाहिए, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अब ऐसी क्लास में हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले अपने आप को क्लीन किया। देखो मैं आपको पहले एक प्रैक्टिस करवा रही हूँ, प्रैक्टिस बड़ी छोटी सी, मुझे स्टार्ट करनी है अपनी क्लास, स्टार्ट करने से पहले मुझे क्या करना है, अपने माइंड को क्लियर करना है, क्लियर योर माइंड इमिजिएटली। अब आप मेरे साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाओ, अच्छे से कनेक्ट हो जाओ, क्लियर योर माइंड। हमें कुछ नहीं सुनाई देना चाहिए, घर की चीजें, घर की बातें, माइंड को एकदम से क्लीन कर लो। देखो मेरे साथ, जितने भी विचार हैं, आई रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ थॉट्स, ऐसे ऐसे करो, 3 बार करो, ये पूरा ऑरा क्लीन हो जाएगा। और जो भी आप इस समय मेरे साथ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, डायरेक्टली थ्रू योर चक्रास, थ्रू योर आज्ञा चक्र, बहुत इजीली तुम लोग ग्रेस्प कर लोगे। मेरे को तो अगर सिखाना है तो मैं तो एक ही दिन में सिखा दूंगी, लेकिन आपके पास उतनी एक कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना भाई, उतनी कैपेबिलिटी होगी तभी तो आप सीख पाओगे। पहले दिन हमने क्या सीखा, अब आप सबका ऑरा जो है क्लीन हो गया, आज्ञा चक्र क्लीन हो गया, अब आप रेडी हैं किस चीज के लिए, रेडी टू रिसीव, रेडी टू रिसीव डाइस रीडिंग की जो भी प्रडिक्शन है, मोक्ष पट किस तरीके से सीखा जाता है उसके लिए आपने अपने आप को तैयार कर दिया। दिस इज कमांड टू योर सेल्फ, अपने आप को विचार शून्य किया, कमांड कर दी, रेडी हो जाओ, ये चुटकी बजाई ना, ये रेडी हो गया। अब मैंने अपने हाथ में डाइस ली, डाइस के बाद मैंने इसको कमांड दी, मुझे डीपीएस में करवाना है बच्चे का एडमिशन, क्या वो मेरे लिए सही है या फिर नहीं है, मुझे यस और नो का एक क्विक आंसर चाहिए और 100% सही चाहिए। सबसे पहली चीज, मैंने अपने आप पर ट्रस्ट किया,
मैंने डिवाइन पर ट्रस्ट किया, जिस विद्या के द्वारा हम आंसर देख रहे हैं मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया, जस्ट लाइक यूर टैरो, जस्ट लाइक यूर डाउजिंग, जस्ट लाइक आवर प्रश्न कुंडली, राइट। मैंने इसमें लिया कमांड दी और उसके बाद मैंने अपनी डाइस को थ्रो कर दिया, मैंने अपनी डाइस को थ्रो कर दिया। अब थ्रो करने पर मेरे सामने जो दिखाया गया वो था नंबर 2, मेरे सामने जो रिफ्लेक्ट हुआ वो था 2। अब मुझे यहाँ पर रूल पता होना चाहिए, अगर मेरी डाइस मुझे नंबर शो करती है इवन नंबर यानी कि 2, 4, 6 शो कर रही है तो 100% मेरे लिए पॉजिटिव आंसर है कि मुझे इस स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए या करवा लेना चाहिए। जस्ट इन केस मेरे पास आंसर आता है 5, तो इसका मतलब ये मेरे लिए सीधी सीधी बड़ी वाली ना है, क्योंकि वहां पर चीजें मेरे लिए या मेरे बच्चे के लिए फेवरेबल नहीं है। ये है एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जहां पर हमने इन चीजों को सीखा कि मुझे थ्रू डाइस यस और नो किस तरीके से देखना होता है, राइट। अब दूसरा एक और एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं डाइस के द्वारा। डाइस में जो है हम इस तरीके से, मैं अपना कैमरा यहां लगा रही हूं, अब आपको दिखेगा कि मैं अब प्रैक्टिकल सेशन में आपको क्या दिखाना चाह रही हूं। क्या सबको स्क्रीन विजिबल है? चैट बॉक्स में एक बार बता दें, चैट बॉक्स में बता दें कि क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है, कोई भी बता दे चैट बॉक्स में। ओके देन, अब आप देखें फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टैक्सी का बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं अपनी टैक्सी डालना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास अभी आया था, आज ही का क्वेश्चन था, ऊबर से रिलेटेड, कि मैं ओला ऊबर जो है इससे रिलेटेड एक टैक्सी डालना चाहता हूं, तो मेरा ये सिनेरियो कैसा रहने वाला है? क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, मेरे पास क्वेश्चन है कि मैं ओला उबर जो है ये टैक्सी ये करना चाह रहा हूं, तो मेरे लिए वो सीन कैसा रहने वाला है, राइट। अब मैंने इसमें अफर्म किया, पहले जो मेरे क्लाइंट का नाम है मैंने क्लाइंट का नाम लिया, मैं मान लेती हूं कि हमारे पास जो क्लाइंट है उनका नाम रोहन है, क्योंकि मुझे यहाँ रोहन दिख रहा है। मैंने रोहन के लिए अपनी डाइस ली, मैंने 3 डाइस ली और मैंने इनको रोहन के लिए अफर्म किया कि मुझे रोहन के लिए ये जानना है कि वो टैक्सी डालना चाहता है, क्या उसके लिए ऑब्स्टेकल है, क्या उसके लिए पॉजिटिव है, क्या उसके लिए नेगेटिव है, मुझे ये चीजें जाननी है। मैंने यहाँ पर 3 डाइस यूज करी क्योंकि मुझे बहुत कुछ जानना है, राइट। अब मैंने यहाँ पर रोहन का नाम लिया, रोहन का नाम लेने के बाद अपने इष्ट को याद किया और मैंने इसमें जो है अपनी डाइस थ्रो कर दी, राइट। अब मैंने यहाँ डाइस थ्रो कर दी, अब आपने देखा कि कुछ एक डाइस है जो अंदर की ओर जा रही है और जो 2 डाइस हैं ये बाहर की ओर आ रही है। अब हम प्रिडिक्शन कैसे करते हैं? इसी के बेस पर प्रिडिक्शन किया जाता है, ये एक टेक्निक है, इसके अलावा 3-4 टेक्निक्स और भी होंगी जो आपको सिखाई जाएंगी। जैसे कि मैंने रोहन के लिए देखा कि उसके लिए टैक्सी का बिजनेस कैसा है, क्या उसके लिए पॉजिटिव है, क्या उसके लिए नेगेटिव है। जब मैंने देखा कि एक डाइस जो अंदर आई है, मैंने इसको बोला, क्या नाम था, रोहन, रोहन को मैंने बोला कि बेटे यहां पर तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे दिखती है,
ओला उबर में अगर तुम जा रहे हो तो मुझे ये दिख रहा है कि फाइनेंशियली यू विल ग्रो, यानी कि मैं ये डाल सकता हूँ ओला उबर में, मैं कर सकता हूँ। लेकिन ऑन द अदर साइड जो है, दो डाइस मेरी बाहर की ओर भी आई हुई है, इसका मतलब ये मेरी लाइफ के लिए चैलेंज है। यानी तुम फाइनेंशियली तो ग्रो कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आ रही हैं इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड। तो इसका मतलब अगर मैंने इस बच्चे को इससे रिलेटेड रेमेडी करवा दी तो 100% उसका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहां पर मुझे इनसे रिलेटेड रेमेडी बनानी है, रेमेडी सीखनी है। तो मैंने क्या देखा कि उतना आसान तो नहीं है, ओला उबर की बात कर रहे हैं हम, उतना आसान तो नहीं है। हालांकि फाइनेंशियली मुझे दिख रहा है तुम ग्रो कर रहे हो, लेकिन चैलेंजेस भी आ रहे हैं। अब ये चैलेंजेस क्या हैं, इसकी क्या रेमेडी होगी, ये तुम क्लासेस के दौरान सीखते जाओगे। डे बाय डे इस चीज को सीखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये था कि हम डाइस रीडिंग किस तरीके से सीखने वाले हैं और इसमें हम क्या-क्या करने वाले हैं। क्या यहां पर किसी को कोई भी डाउट है? किसी को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है? या हम आगे चलें? चैट अभी बॉक्स डाइस में लिख रीडिंग से दो। रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है मैम से तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम जो मोक्ष पत्रा है या मोक्ष पटम जो बोलते हैं हम, उसके बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ डाइस रीडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क। आप हैंड रेज कीजिए, मैम आपका आंसर देंगी। क्लियर है? इसका मतलब कि भाई हमने बहुत अच्छे से समझा दिया और बच्चों को कोई डाउट ही नहीं है। कितना मजा आ गया। ये भी बहुत बड़ी सबको बात है मैम कि मतलब हमने इतने अच्छे से समझाया कि सबको समझ में आ गया। ठीक समझ है, में हाँ आ ही गया है तो डाउट ही नहीं चलिए। चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि कल से मैम की क्लास शुरू हो रही है डाइस रीडिंग की, और भगवान की ऐसी कृपा है कि रजिस्ट्रेशन हमारे पास स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप भी रजिस्ट्रेशन कराकर कल कल से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में ड्यूरेशन, क्लास की फीस और क्लास की फीस कहाँ सबमिट करनी है, वो सारे नंबर वहाँ दिए गए हैं। तो यस, आप उस नंबर पर अपना पेमेंट कर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। ठीक है। एक प्रियंका ने हैंड रेज किया है, ले लेते हाँ प्रियंका का क्वेश्चन। चलिए, यस प्रियंका, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करें। जी मैम, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई तो मुझे पूछना था कि मैम ये रियून जैसा ही है सेम, क्या ये रियून इनको इज पाते डिफरेंट। बोलते हैं? नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग विद्या है। रियून अलग होते हैं, पासे वो जो होती है वो रमल में यूज होती है। हाँ, इसको आप पासे भी बोल सकते हैं, बट वैसे ही पासे होते नहीं है, बट यूज कर सकते हैं इसको, बोल सकते हो आप, पासे बोल सकते हो। मैम ये हमारी हमारी नॉलेज के लिए, मतलब इसमें क्या 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 जान सकते हैं हम किसी के बारे में, जो भी आप जानना चाहते हो, एज अ जैसे टैरो कार्ड मैम? हाँ एज ए टैरो कार्ड रीडर, जैसे आपके पास क्वेश्चन, अगर आप एज ए टैरो रीडर हैं, आपके पास क्वेश्चन क्या आते हैं? मेरा मेरे पार्टनर का जोडियक साइन क्या होगा, मेरे पार्टनर का इनिशियल लेटर क्या होगा, मेरा यस मैम, पार्टनर किस डायरेक्शन से होगा, क्या यस मैम, मेरा वो क्या बोलते हैं एक्स, क्या एक्स, मेरा एक्स वापिस आ जाएगा? आते यस हैं वैसे मैम, क्वेश्चन? यस मैम, कॉमन मैम, यही आता है, वाह, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं। और यस अगर आप ऑनलाइन में काम कर रहे हो, एज अ टैरो रीडर का कम काम कर रहे हो, तो आपको तो ये वाली मोडेलिटीज आनी ही चाहिए, ये तो आनी ही चाहिए, मतलब क्योंकि बहुत जरूरी है ना, आपके नाम के साथ एक चीज ऐड हो रही है। जैसे अगर आपने देखा हो, परसों नागेश सर ने भी एक चीज बड़ी अच्छी एक्सप्लेन की थी,
एज अ लेमैन अगर मैं चूज करना चाहता हूं कि मुझे किसके पास जाना है, एज अ क्लाइंट अगर मैं जाता हूं तो जिसके पास ज्यादा क्वालिटीज होंगी, जिसको ज्यादा नॉलेज होगी, तो ऑब्वियसली आई विल चूज दैट ना। यस मैम, आपके आपके साथ जो है ये लगा हुआ है कि आप एक डाइस रीडिंग भी करते हो, तो डाइस रीडिंग नई मोडेलिटीज है, मोक्ष पट नई मोडेलिटीज है, तो इनको सीखना तो बनता है क्योंकि बहुत इजी है और कोई महंगी भी नहीं होती है, बहुत इजी। और क्या है ना, जो हमारा आज का जो क्लाइंट है ना, वो मैगी नूडल्स वाला है, उसको यस मैम, वेट नहीं करनी है कि मैं प्रूफ रेड, इतनी देर वेट कर सकता हूँ, पेशेंस नहीं है ना, यस मैम, पेशेंस नहीं है मेरे को। मतलब इमिडिएटली यस मैम बताओ, इमिडिएटली कैसे बताओगे, यही चीजें हैं। डेफिनेटली, तभी तभी मैं बोलता हूँ, जितने भी ऑनलाइन बच्चे हमारे काम कर रहे हैं उनको अगर इंस्टेंटली कुछ बताना है तो ये दो चार हमारे कोर्स हैं, ये जरूर कीजिएगा, क्योंकि हाँ ये तो यहाँ से ना जरूरी है, इंस्टेंट आंसर निकलते हैं। और एक इंस्टेंट बार क्लाइंट आंसर। का फेथ आप में जमा, मतलब एक कहता है ना, जम जाता है क्लाइंट का फेथ आपके अंदर, फिर आप बेशक दो वेट कराइए, तो इंस्टेंट अगर जवाब देने होते हैं तो फिर ये जो छोटी छोटी मॉडलिटी हैं ये आपको हाँ जरूर काम आते हैं, डेफिनेटली तो काम आते हैं। मैम ऐसे क्या मैं आपने एक पंच क्वेश्चन पक्षी का आंसर जान करवाया सकती हूँ था? मैम, क्या मैं एक क्वेश्चन का आंसर जान सकती हूँ? देखो अगर हम यहाँ पर, हम ना बेटे बेसिकली मैडम, पैसा नहीं बेटा अभी लेके, हम सिखाने पर्पज से बैठे हैं, हम हाँ आपकी जी कोई कंसल्टेशन लेने के पर्पज से नहीं बैठे अभी, क्योंकि एक नहीं, वो समझ आप गई एज ए सर। कंसर्न आप सभी समझते हैं कि एक हाँ एक जी, ऑरा क्रिएट होता है ना, जब हम लर्निंग मोड में बैठते हम सिखाने के पर्पज से एक बैठते हैं। एक चीज जो मुझे पता चल जाए कि इसमें एक्यूरेसी आ रही है, बस एक चीज, कुछ भी आप नहीं, बता दीजिए अपनी तरफ एक्यूरेसी से। तो देखिए आपके अंदर है, आपके भाव में एक्यूरेसी है, हमारे साइंस में एक्यूरेसी नहीं होती, आपका विश्वास है तो एक्यूरेसी है, नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल समझ रहे हो बात को? हाँ सर, जैसे तो टैरो कार्ड भगवान में अंदर में बोलते नहीं हैं है, ना, टैरो भगवान कार्ड आपके में भाव हमारी में है। फीलिंग्स इमोशंस सब क्लियर कर देते हैं कि अभी चीट हुआ या फिर आगे क्या होने वाला है, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके साथ, फ्रूटफुल क्या होने वाला है, ये सब सर समझ में आता है। वैसे ही सर थोड़ा सा जानना चाहती थी। में नहीं होते, समझ रहे हो? जो सामने रखी है ना वो पत्थर की है, आपके भाव अच्छे हैं तो वो भगवान है वरना वो पत्थर है, हाँ इसी तरह से ऑकर साइंस है, आपके हाँ भाव अच्छे सर, हैं तो यस हर एक मोडालिटी, सारी डिवाइन साइंसेस 100% काम करेंगी, अगर आपका विश्वास नहीं है तो कोई भी मोडालिटी काम नहीं करेगी आपके पास, इसमें भी तो ट्रस्ट तो है सर, मैं काम ही इसमें कर रही हूँ, मुझे काफी टाइम भी हुआ। फिर मतलब इतना इतना बच्चों वाला क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं है फिर तो, अपने मतलब गुरु आप से सर एज ए पूछना कंसर्न बनता काम है। कर रहे हैं और आपको इस साइंस में विश्वास ही नहीं है तो नहीं सर, अपने फिर, गुरुओं हाँ पे पूछना बनता है सर, ट्रस्ट तो है सर, उसी का कमा रही हूँ, उसी का खा रही हूँ सर, कैसे तो अब मैं बस, आप तो ट्रस्ट कैसे फिर करूंगी आप सर। कैसे कह सकते हैं साइंस काम करती नहीं करती, मैं जज करना चाहते हैं, आपने कैसे नहीं, बोला मैं फिर? अपने लिए कनेक्ट करना चाहती थी कि कैसे होगा सर, मतलब मैं वो अलग बहुत बात है, लेट आई, कोर्स मैं जस्ट कोर्स अभी 1 सेकंड पहले आई सर, मैं बहुत पहले, हाँ तो मतलब कोर्स में जल्दी ज्वाइन नहीं कर पाई सिखाएंगे ना, थी। वो कोर्स में सिखाएंगे कैसे करना करना कैसे नहीं करना, सिखाएंगे आप, ठीक है? जी सर, जी सर, जी सर, चलिए नेक्स्ट थैंक यू नेक्स्ट ले सर। लीजिए, मुबीन, मुबीन, इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना मोक्ष पतम, ये कैसे काम करता है। अस्सलाम वालेकुम, यस थैंक यू मैम, आपने मुझे चेक किया, मैं आपकी लास्ट इसी क्लास को मैंने ज्वाइन किया था। सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलती हूँ कि सर ने मुझे अपनी सोल फैमिली का हिस्सा बनाया। सर मुझे जानते हैं कि मैं हर क्लास की क्लास को लेती हूँ, तो ये आपको एक छोटी सी चीज बताने लगी, सिर्फ उन बच्चों को जो आज आपकी क्लास में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ और योगलक्ष्मी मैम की तो बहुत ही बड़ी फैन हूँ, पागल हूँ उनके लिए। थैंक यू फॉर नागेश तनवर, जिनकी वजह से इतनी प्यारी सोल फैमिली मुझे मिली। जब मुझे आपकी डाइस रीडिंग का पता चला था तो मैं इनकी तरह बहुत शको शुबाहत में थी कि पता नहीं मैच करेंगे नहीं करेंगे, सीखूं ना सीखूं, एज ए मुस्लिम तो और भी मेरे लिए मुश्किल था और पाकिस्तान में रह के तो और भी मुश्किल। लेकिन उसके बावजूद मैंने आपका कोर्स किया, इतना अच्छा आप समझाते हो, इतना अच्छा आप समझाते हो कि शायद ही कोई समझाएगा इंडियन किसी टैरो रीडिंग में। ठीक है, मैंने आपने मेरे कोर्स पास किया ये था वाले मुबीन? डाइस नहीं थे, मेरे पास ये वाले डाइस अच्छा नहीं थे,
अच्छा मैंने ये इंडिया से ही मंगवाए हैं। मैंने अरे पैसे वाह, बहनोई को दिए, उन्होंने दुबई में अपने दोस्त को दिए, उन्होंने अपने किसी इंडियन फ्रेंड से दुबई में मंगवाए, कराची से। उस जब तक ये मेरे पास आते, आपकी क्लास लेने से 3 महीने बाद ये मेरे पास आए, अरे तब तक वाह, मैंने इनके साथ काम चलाया। और आप यकीन अच्छा करो, इतनी जबरदस्त रिजल्ट है ना इनके, मैं यहाँ अच्छा पर पाकिस्तान में। और मैं आप लोगों को ये यकीन से कहती हूँ कि मुझे सर ने कुछ नहीं कहा, मुझे मैम ने कुछ नहीं कहा। मैं एक दिली तौर पर, रूहानी तौर पर आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ, और मैं दिल से कहूंगी कि जो वाकई ये डाई सीडिंग सीखना चाहता है तो आंखें बंद करके पैसे दे दो, पैसा वसूल हो जाएगा। बल्कि ना सिर्फ पैसा वसूल होगा, बल्कि आपको उसके ऊपर प्रॉफिट भी वसूल होगा। दुआएं दोगे सर को कि वाकई किसी ने सिखाने वाले तरीके पर हमें जो वाकई दिल से सिखाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी, आप यकीन करो, इस वक्त मुझे 103 बुखार है, और जब मैंने देखा कि क्लास में बच्चे आ रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं जाके मैम को जरूर बताऊंगी कि मुझे इस चीज का अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है लाइफ के हर शोबे में। और कोई कस्टमर मुझसे अगर आके पूछे तो मैं इनसे वाकई में अपना काम लेती हूँ और मुझे रिजल्ट मिलता है। अब ये अच्छी आपके यानी कि बात है शौक कि पे डिपेंड करता है बेसिकली कि आप इसे कितना यूज कर पाते हो। सही और बात है, यहाँ पे बहुत 100% बढ़िया सर बात कह रहे हैं बोली कि मोमिन जितना आपने। आप होगे इंक्लूड, उतना आप अच्छा रिजल्ट ले पाओगे। और मैम वाकई में बहुत अच्छा सिखाती हैं, क्लास बिल्कुल भी कोई मिस ना करे। बहुत बढ़िया मोमिन, बहुत बढ़िया। बढ़िया मूवी। देखिए मोमिन जी पाकिस्तान से हैं और आप सभी समझते हैं पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कैसे हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना नहीं सर, मेरे भगवान। आपसे बहुत हाँ मुझे याद आ रहा है कि डाइस की क्लास में मुबीन आप थे, मुझे अभी याद है आया। ना, कोई ये नहीं कौन किस देश से आ रहा है, कौन क्या सीख रहा है, ठीक है। तो अगर मैम हम मुझे तो पाकिस्तान ये वालों को भी याद सिखा है कि पा रहे हैं आपने तो मुझे किस सोचिए। सवाल पे पूछा था, क्या पूछा मुझे ये था? भी याद है। आपने मुझसे कहा था कि तुमने 4 वाले डाइस को ऐसे कैसे प्रिडिक्ट किया, किस लिहाज से किया। तो फिर मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे इतने सारे लोगों को आपको जॉब ऑफर जाएंगी, तो जेलसी में लोग आपके ऊपर सिफली इलम करेंगे। तो आपने कहा था आपने वो बात पकड़ी है जो यहाँ पे कोई किसी स्टूडेंट ने नहीं पकड़ी। मुझे आपका सवाल भी याद है। बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत चलो, बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे हैं हमें ये फीडबैक देते हैं कि जो उन्होंने सीखा तो उसके बाद वो बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं, बस इसी बात से बड़ी खुशी मिलती है। मैम सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स हैं। मुझे बस यही कहना था कि जो जितने भी बच्चे हैं वो जरूर क्लास लें, और आपकी क्लास को तो बिल्कुल भी मिस मत करें। यू बेटे, थैंक यू। सही बात है। हमारे पास ना दो माए हैं, ये योगलक्ष्मी मैम और कंचन मैम, भैया इनकी ब्लैसिंग ले लो, ये अवतार बन के इस कलयुग में आई हैं ब्लैसिंग देने के लिए, ठीक है ना। और इस कलयुग के अंदर कहते हैं ना एक फेमिनाइन एनर्जी की एक ब्लैसिंग अगर मिल जाती है गुरु के रूप में तो हमारी जीवन की नींव पार हो जाती है। तो इससे बड़ी बात मैं नहीं बोल सकता, इनसे जितना ज्ञान ले सकते हैं लीजिए। ये दो बहुत अच्छी सोल हैं, शायद एक्स्ट्रो गैलेक्सी की किस्मत चमकनी थी, कुछ अच्छे पुण्य किए कर्म किए होंगे हम सभी ने, जो हमें इनका ज्ञान मिल रहा है, इनका साथ मिल रहा है। और कहते हैं ना भगवान खुद तो नहीं आते, किसी ना किसी रूप में, किसी गुरु के रूप में, किसी देवी के रूप में प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं और हमें ब्लेसिंग देते हैं। तो बस ये शायद दो सोल हमारे साथ इसलिए जुड़ी है कि इस जर्नी के अंदर जो इन्होंने अपनी जर्नी के अंदर कमाया है वो आपको दे सके। तो देखो, आप मैम हमारे सबकी कृष्णा तरफ हैं, से थैंक मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा। यू थैंक मैम, यू थैंक कृष्णा है कि आपने ये एस्ट्रो मैम, गैलेक्सी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। और सबसे बड़ी चीज, जो एक सबसे बड़ा हम एक नारा लगाते हैं ना, जय श्री कृष्णा का, तो जय श्री उसमें कृष्ण। अपने ये तो आप खैर इतने खासा अल्टीमेट बच्चे भी जुड़ते हैं ना, तो वो भी वैसे ही वाले होते हैं कि जो हमारी तरह प्योर सोल होते हैं। इतनी बिल्कुल ब्लेसिंग है बिल्कुल। परमेश्वर की। और ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये मैम सबका प्लेटफॉर्म है, ये आपका है, जितना मेरा उतना आपका है, उतना ही इन सब बच्चों का है। बच्चों का क्योंकि भी कृष्णा क्या कहते हैं, हम बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की बात, बस। है ना, कि पूरा संसार हमारा कुटुंब है, पूरा संसार हमारा परिवार है। तो मुझे कहते हैं भैया आइयो, आओ सीखो, नॉलेज लो, अपनी लाइफ में बेटर करो, अच्छा अपनी लाइफ करो, में बेटर बस करो। जियो, बस अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट ले लो मैम कुछ। आरती, आरती जी, चलो मैं म्यूट कर दूं, मैम को आवाज जाएगी मेरी। हाँ बाकी को म्यूट हेलो, करें। आरती जी, अनम्यूट करें।
आप जय श्री अनम्यूट कृष्णा करें। मैम, जय श्री कृष्णा जय श्री मैम। हम कृष्ण। ये जानना चाहते कि डाइस होते हैं ये, मतलब किस कलर के और किस चीज के लेना चाहिए? देखो वुडन के, मैंने आपको दिखाया ना ये लकड़ी के बने अच्छा, हुए हैं, वुडन के, तो वुडन के बेस्ट यही कलर भी होते हैं। वुडन ही होगा इसमें। हाँ ये वुडन ही होता है, लेकिन पर्टिकुलर क्या होगा कि किसी काम के लिए हमें रेड या ग्रीन जरूरत पड़ेगी तो वो हम उस समय पर ले लेंगे। देखो मुबीन भी दिखा रही है अपने, तो हमारे पास ये रहता है, तो ये मेरा बॉक्स है और इसी के अंदर मेरे पास ये आती हैं। तो ये कितने लेना चाहिए? वो आपको मिल जाएगी जब आपको लिंक दे दिया जाएगा ना, तो उसमें आपको जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, 5 का जो बॉक्स होता है वो हमारे पास आता है। थैंक यू। पूजा, पूजा कामरा, पूजा कामरा, जय माता दी। जय माता दी। बहुत अच्छा लगा आपको देख के आज, मुझे तो और भी तो तुम ज्यादा वीडियो ऑन कर लो, वीडियो नहीं। ऑन कर लो बेटे। ये हुई ना बात, जय माता दी। भूल गई। भूल गए क्वेश्चन ही भूल गए। बिल्कुल हाँ मैम, ये अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया था ना ओला उबर वाला, उसमें 3 नंबर पे आपने उनको बोला था, मतलब इनर सर्कल में 3 आया था, आपने बोला था कि मॉनिटरी ग्रोथ दिख रही है। तो मैम आपने पिछली क्लास में शायद बताया था कि 3 नंबर ऑड नंबर है, उसमें नो कंसीडर करते हैं। मुझे थोड़ा सा नहीं, कंफ्यूजन है। ये अलग प्रोसेस है, ये अलग प्रोसेस है। वो जो सिंगल डाइस के नहीं, लिए है, वो सिंगल डाइस के आप लिए है। यस नो, नोट्स दोबारा पढ़ना, नोट्स दोबारा पढ़ो, जो अंदर आया है उसके नोट्स दोबारा पढ़ो। भूल गए हो? मैंने किया नहीं था ना मैम पिछली बारी क्लास, वो गणपति के टाइम पे था तो मैं बीच में छोड़ गई थी। हाँ तो फिर अब आपने अगर अधूरा नॉलेज ली हुई है तो फिर कैसे हाँ, करेंगे? इसलिए मैंने दोबारा ज्वाइन किया। अच्छा तो फिर अब आपने पूरा कंप्लीट किया हुआ नहीं है ना, हाँ नोट्स जी दोबारा मैम, पढ़ना, आपके पास पीडीएफ है दोबारा पढ़ लेना। नहीं मुझे दोबारा करना था इसलिए मैंने पीडीएफ पढ़ा ही नहीं। हाँ तो आ जाओ, वेलकम, आ गई स्वागत मैम, है, आ गई आ बस गई आ गई। स्वागत है धन्यवाद। आपका। देखो मुबीन ने तो बताया कि मुबीन खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि वो आंसर्स भी उनके बहुत अच्छे से आ रहे हैं। जी मैम, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आंसर्स जो आ रहे हैं वो सटीक है, वो आंसर्स अच्छे आ रहे हैं, है ना? नहीं मैम, डेफिनेटली अगर मैं पूरा करूंगी ना तो आएगा, क्योंकि आकाशिक के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। टच वुड, टच वुड, आपकी परमेश्वर की कृपा, कृपा मैम। ठीक परमेश्वर की है तो हमारी अपने आप ही है। चलो अरविंद जी, है, अरविंद जी अनम्यूट करें। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना कि जो ये जैसे डाइस है या मोक्ष पटम का वो जो जो कुछ भी है सिस्टम, ये मैं क्योंकि मैं हूं कनाडा में, तो ये मुझे अवेलेबल कैसे होगा? आपके पास अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो नहीं ये फ्लिपकार्ट अमेजोन यहाँ, नहीं फ्लिपकार्ट नहीं है कनाडा में, कनाडा में अमेजोन तो है, बट अमेजोन कैन अमेजोन पे अवेलेबल है। नहीं, अमेजोन पे अभी ये इंडिया में अवेलेबल है, कनाडा में मेरे को देखना पड़ेगा, कनाडा की अमेजोन में नहीं अवेलेबल नहीं है या नहीं। अरविंद जी, मिल जाएगा आपको। आपके यहाँ जो अमेजोन शायद कनाडा होगा या डॉट कॉम होगा, ठीक है, उस पे हाँ जी जाएंगे तो डेफिनेटली मिल जाएगा आप। और नहीं मिलेगा तो यार बता देना, ये जी कोरियर करा देंगे आपको इंडिया से, इसमें हाँ, क्या यहाँ बात। से कोरियर करा ठीक है देंगे। सर, ठीक चिंता ना है जी, करो, ठीक वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ठीक देर इज, है। बाकी मेरी तरफ से जहाँ अगर इच्छा क्रिकेट होती है होगी ना, तो मैंने वहां आपको इसके, जहाँ चाह होती है इच्छा अपना वहीं पहुंच जाती है। हाँ नहीं वो तो खैर है ये सर, मैंने आपको अब सर मिल पेमेंट जाएगा स्क्रीन आपको, शॉट भेज डॉट कॉम दिया से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हुआ, मैंने आपको स्क्रीन शॉट भेज दिया हुआ सर। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, देख लूंगा मैं, ट्रैवलिंग पर अच्छा हूँ, देख लूंगा रात, ठीक है। चलो ओके सर, नेक्स्ट ठीक है, करें। हाँ एक स्मिता का क्वेश्चन भी है। हाँ स्मिता, देख लीजिए। यस स्मिता, स्मिता जी नमस्ते मैडम, नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते अ जी, वेरी नाइस कनेक्टिंग विथ यू। दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम कनेक्टिंग विथ सर एंड योर सेल्फ ऑन अ लाइव चैट। मेरा क्वेश्चन बहुत सिमिलर था, पूछना था कि आपने बोला कि इफ इट्स एन ऑड नंबर तो नो इज द वे टू गो फॉरवर्ड, बट ऑफ कोर्स मैंने कोर्स नहीं किया हुआ है तो शायद इसलिए मुझे पता नहीं है कि क्या है। क्योंकि वन क्विक अभी अभी क्वेश्चन है, आपने नहीं लिया, अभी नहीं हम किया अभी क्योंकि मैंने। यहाँ पर यस और नो नहीं ले रहे थे ना, अभी हम तो हाँ ओवरऑल जर्नी देख रहे थे। अभी मैंने सिर्फ हाँ ये नहीं पूछा कि, और मैंने सिंगल डाइस नहीं यूज करी, मैंने यहाँ पर थ्री अच्छा डाइस यूज की हुई है। जो मैंने आपको एक सिंगल डाइस वाला एक वो बताया था, वो वाला तरीका एक अलग है,
वो टेक्निक अलग है। अगर मैंने सिर्फ सिंगल डाइस ली होती और मेरा ये 3 आ रहा है तो इट इज नो। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 3 डाइस यूज की हैं और मैंने एक टेक्निक के द्वारा एक सर्कल लगाया हुआ है, तो वहां पर जो मेरी जर्नी मुझे दिखाई जाती है, दैट इज डिफरेंट आंसर। दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग। अच्छा, एंड मुझे तो मैथ्स में जब भी पढ़ रही थी तो जब भी हम डाइस लगाते हैं तो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी कि कौन सा नंबर कितना आएगा एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थिंग्स वर्किंग आउट एंड नॉट वर्किंग आउट. वो है, कभी भी जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं होता है किसी सिचुएशन में इन लाइफ. बट आई नो दिस इज अकल्ट साइंस एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन द स्पिरिचुअल एंड द वर्ल्ड बियॉन्ड अस एंड द डिवाइन पावर दैट ऑल ऑफ अस हैव एंड वी आर कनेक्टेड टू एंड हाउ इट कैन वर्क. कितना हाउ मच ऑफ इट विल एक्चुअली डिपेंड ऑन हु इज पुटिंग दोज डाइस डाउन फॉर यू एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम. मैम, आई मीन जब मैं शुरू करूंगी आफ्टर आई गो थ्रू द कोर्स एंड ऑल ऑफ इट, उसमें हाउ मच ऑफ इट लाइक मेरे ऑरा क्लीन होने में या फिर चक्रास पावरफुल होने में हाउ मच टाइम विल इट टेक? इज इट अबाउट लाइक रेकी में जब मैं रेकी लेवल 1 कर रही थी तो आई वाज टोल्ड कि 21 डेज कंटिन्यूअसली आई हैव टू क्लीन ऑल माय चक्रास एंड मेक श्योर दैट आई विल स्टिल हैव द पावर टू हैव दैट रेकी एनर्जी फ्लोइंग थ्रू माय पाम्स, बट आई विल ओनली मेक द पाइप क्लीनर और यू नो स्ट्रॉन्गर बाय डूइंग इट रेगुलरली. तो इंट्यूशन कितना काम आता है इसमें, और आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो कनेक्ट है डिवाइन वर्ल्ड से, वो तो बहुत ही स्ट्रांग होगा कंपेयर टू समवन लाइक मी हु इज सो न्यू इन टू ऑल दिस एंड एक्सप्लोरिंग इट राइट नाउ. तो इफ आई स्टार्ट, हाउ डिफिकल्ट इज इट और हाउ मच टाइम विल इट टेक? और आपको मुझे देख के पता चल जाएगा शायद कि इनका ऑरा कैसा है और चक्रास में कितनी ब्लॉकेजेस है एंड कितना टाइम लगेगा. सो इज दैट अ फैक्टर एट ऑल? सॉरी, टू मेनी क्वेश्चंस इन वन गो. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल क्वेश्चंस का एक ही आंसर है, दिस इज अ डिविनेशन। यहाँ पर जो है हम डीप चलेंगे, डीप चलेंगे, पानी के ऊपर ऊपर नहीं तैरना है, पानी के अंदर गोता लगाएंगे और वो मोती निकाल के लाएंगे। और वो मोती निकालने में समय कितना लगता है, सबकी अपनी एक अलग अलग जर्नी हो सकती है। कोई उसको 5 दिन में कर सकता है, कोई उसको 5 महीने में कर सकता है, कोई 5 साल भी कर सकता है। लेकिन सबसे पहली जो चीज होती है ना बेटे, वो होती है कि आपका ट्रस्ट लेवल कितना है। अगर आपका उस परमात्मा पे, उस डिवाइन पावर पे ट्रस्ट है, तो आपकी जो तरंगे हैं, आपकी तरंगे आपके अनुसार चल रही हैं। आप तरंगों के अनुसार नहीं चल रहे, आपने अपनी एनर्जी को उस तरीके से चैनलाइज किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, रेकी में, रेकी में आपने 21 दिन का किया, बहुत बड़ी बात होती है। रेकी तो अपने आप में ही एक वैसी विद्या है कि भाई हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आपने 21 दिन अपने आप को अट्यून किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके चक्रास कहीं ना कहीं तो चैनलाइज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग हो रहे हैं। आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस हैं। जब हम ये स्टार्ट करेंगे, ऑल्दो बहुत सारी जो प्लेटफॉर्म है डाइस में या बाकी चीजों में, उनके हिसाब से वो रिक्वायर नहीं होता, उनके हिसाब से मेडिटेशन रिक्वायर नहीं है। लेकिन हम अपने यहाँ पर जो भी स्टार्ट करते हैं, पहले हम मेडिटेशन कराते हैं, आपके एनर्जी को एक तरीके से बैलेंस्ड करना है। जैसे मैं अब आपका देखूं तो आपकी चीजें ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बस थोड़ा सा ठोकना पीटना पड़ेगा और एक ही बार में सेट हो जाएगा मामला। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबकी अलग अलग जर्नी है, तो आप कर जाओगे, कोई चिंता की बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच मैडम, रियली प्लीज टू बी कनेक्टेड. थैंक यू, थैंक गॉड ब्लेस यू। यू. तो अब हम आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं। सर, आप अवेलेबल हैं? ठीक है, यस तो अब हम आगे ले लें मैम, क्या, बिल्कुल, मैं मॉक अवेलेबल शॉर्ट हूँ. स्टार्ट कर लें? हाँ, आप एक आध क्वेश्चन लेकर अपना मॉक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन सेशन करेंगे हम. और मैं बस तब तक 10 मिनट के अंदर मैं भी पहुंच रहा हूँ बस सर. ठीक है, कोई बात नहीं, आप आ जाओ, तब तक हम स्टार्ट कर लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. चलो जी, अब सभी बच्चे स्टार्ट हो, रेडी हो जाओ। अब हम करते हैं मोक्ष पट, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है। जिनके कैमरास ऑफ हैं उनको तो शायद नहीं भी आएगा, क्योंकि उनके लिए तो एक वो ब्लैंक पिक्चर चल रही है। जिनके कैमरास ऑन है तो नेचुरल है भाई, कुछ पाना है कुछ तो खोना पड़ेगा। वीडियोस ओपन करने में क्या ही जाता है, क्लास में बैठो, वीडियोस ओपन कर लो। चलो, अब हम करते हैं कि मोक्ष पट के बारे में। अच्छा, इसमें
एक और सेम क्वेश्चन को कितने टाइम पीरियड्स के बाद रिपीट कर सकते हैं? राकेश कौशिक जी का चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, एक सेम क्वेश्चन को कितने टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर सकते हैं इंडाइस? करीबन 3 महीने, 3 महीने के बाद हम क्वेश्चन को दोबारा ले सकते हैं, 3 महीने तक, क्योंकि एनर्जी को चैनलाइज होना, बाकी चीजें होना समय लगता है, 3 महीने के बाद आप रिपीट कर सकते हो। अब हम लेते हैं मोक्ष पट की जर्नी कैसी होती है और मोक्ष पट में हम क्या क्या सीखते हैं, कैसे कैसे सीखते हैं। एवरीवन इज रेडी? यस, फेस पैक लगा रखा है सुषमा गौतम, दैट्स वाई कैमरा इज ओवर। ये तो कोई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आप तो क्लास के साथ साथ जो एनर्जी आपको मिल रही है ना, उसके साथ साथ अपना फेशियल भी कर रहे हो। सुषमा गौतम जी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि मैं तो फेस पैक लगा रखा है तो कोई बात नहीं, अगर वो फेस पैक लगा रखा है, किसी और ने भी लगा रखा है तो उनको भी छूट है कि चलो फेस पैक है तो कोई नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम मोक्ष पट की जर्नी कैसे करते हैं और किस तरीके से हम हमारी जर्नी को देखते हैं। बहुत छोटा सा ग्लिम्स दूंगी, ज्यादा नहीं तो फिर वो इनडाइजेशन हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी मामला। तो हम स्टार्ट करते हैं मोक्ष पट को, तो मैं कैमरा अपना फिर से ला रही हूं मोक्ष पट की ओर कि कैसे हमने करना है। यस, क्या अब सभी को क्लियर है? चैट बॉक्स में मुझे बता दें क्या मेरा मोक्ष पट सभी को क्लियर है? यस, देखो ये मेरा मोक्ष पट है, इससे मुझे लाइफ की जर्नी कैसे देखनी है, मुझे वो देखना है कि मेरे को अपनी लाइफ की जर्नी किस तरीके से देखनी होती है, ये समझना है, राइट? थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, कैमरा थोड़ा सा हिल रहा है मेरा। देखो, सबको बॉक्स नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा जहां पे लिखा है जेनेसिस, लिखा है ना, ये जेनेसिस, ये रहा जेनेसिस, सबको दिख रहा होगा, मेरे को चैट बॉक्स में बताते जाना, नहीं होगा तो फिर मुझे कुछ सेटिंग में देखना होगा। ये है मेरा चैट बॉक्स, ये यहाँ पे जो है ये है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या है? यानी जैसा मैंने कल भी बोला, यहाँ पर हमारी जर्नी स्टार्ट होती है माँ के गर्भ से, यानी मेरे बर्थ से। ये है मेरा बर्थ टाइम, ये मैंने बर्थ लिया, राइट? अब इसी के साथ जो है मैंने यहां पर अपनी ये एक डाइस रख दी है। हालांकि बहुत सारे मेथड आएंगे, लेकिन मैं आपको बहुत छोटा छोटा मेथड सिखाऊंगी, बहुत छोटा सा मेथड तो नहीं सिखा पाऊंगी क्योंकि ये एक लंबी टेक्निक है, बस आपको थोड़ा सा बताऊंगी। जब हमारी मोक्ष पट की जर्नी स्टार्ट होगी, हम मोक्ष पट को पढ़ना सीखेंगे, तो हम अपना जो पहला, या तो कोड़ी ले लेते हैं या क्रिस्टल ले लेते हैं, कुछ भी, कोड़ी या क्रिस्टल, मैं यहाँ पर कोड़ी यूज कर रही हूँ। तो मैंने अपने बर्थ के टाइम पर, ये बर्थ टाइम है, ये मतलब 0 इयर्स, यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। मुझे देखना है कि जो मेरा बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने बच्चे की जर्नी के बारे में देखना है। मान लेते हैं उसकी उम्र 25-30 साल, जो भी है, 20-25 साल, 30 साल, जो भी है, तो मुझे वो देखना है कि उसकी जर्नी कैसी थी, कैसी रहने वाली है, और मैं उसको ठीक कैसे कर सकती हूं अगर वहां पर कुछ गड़बड़ आ रही है। तो
ये जो मोक्ष पट हमें दिखाएगा, ये जो चीज जेन्युइन है, जो चीज जेन्युइन हो रही है, यानी करंट सिचुएशन, ये जेन्युइन सिचुएशन हमें दिखाएगा, हमें उसी के ऊपर समझना है और काम करना है, राइट। अब मैंने अपने डाइस को अफर्म कर दिया रेंडमली, मैंने किसी भी बच्चे के लिए, मान लो मैंने मेरे को यहाँ पर कौन नजर आ रहा है, हमारी छोटी सी उम्र का कोई भी बच्चा यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहा, चलो हम यहाँ पर नाम नहीं लेते किसी का भी, हम ले लेते हैं राम। मुझे राम की जर्नी के बारे में देखना है, मुझे कुंडली देखनी नहीं आती है, मुझे केवल उसकी जर्नी के बारे में, मुझे उसकी एजुकेशन के बारे में, मुझे उसके करियर के बारे में चीजें देखनी है, राइट। अब यहाँ पर कुछ प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस हो सकता है मैं आपको बता पाऊं या नहीं बता पाऊं। मैंने यहाँ पर अपनी जर्नी स्टार्ट की और मैंने इसको अफर्म कर दिया, अभी मैं सिंगल डाइस से कर रही हूं, लेकिन आपको प्रोसेस में एक एक से, दो से, तीन से, वो भी सिखाया जाएगा। अभी मैं बहुत शॉर्ट मेथड में कर रही हूं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मेरे यहाँ पर जो है, मैंने जब इसको थ्रो किया, अभी थ्रो किया तो यहां पर आया है थ्री, यहां पर क्या आ रहा है थ्री। अब मैंने अपना, ये गर्भ है, ये माँ का गर्भ है, इसके बाद मैंने थ्री आगे चल दिए, 1 2 3, ये मैंने थ्री चल दिए। जब हमारा एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस में क्या होता है, जितना भी हमारा यहाँ पर नंबर शो किया जाता है, तो जो हमारी एज होती है वो डबल मान ली जाती है, जैसे थ्री है तो हम यहाँ पर सिक्स मान लेंगे, तो इसका मतलब जो 0 to 6 ईयर का इस बच्चे की जर्नी रहेगी, यहाँ पर अगर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये मैंने नहीं लिखा, ये संत ज्ञानदेव जी हैं, संत ज्ञानदेव जी ने इसकी रचना की है और ये शब्द उन्हीं के द्वारा ही दिए गए हैं। यहाँ पर जो है नंबर थ्री आया था, अब मैंने बच्चे को गर्भ से लिया, गर्भ से लेकर मैंने तीन आगे कर दिए, तो यहाँ पर मेरा आ रहा है ग्रीड, यानी मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पर थ्री है, लेकिन जो मेरी एज है वो आ गई 3 + 3 6, यानी 0 to 6 ईयर तक की जर्नी इस बच्चे की कैसी रहने वाली होगी, वो 6 ईयर की जो जर्नी है, आप इस बात को बहुत ध्यान से समझो कि 6 ईयर की जर्नी में जो पहला वर्ड हमारा क्या आ रहा है, ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या क्या हो सकता है, आप सभी अपने अपने हिसाब से सोचने की करो, लेकिन मैं तो अपना एक्सप्लेन करूंगी, वो तो है ही। ग्रीड का मतलब लोभ, मतलब कि लालच, यानी मेरे बच्चे के अंदर जो है 6 ईयर तक की जो एक बहुत बड़ी बुराई होगी, जो बहुत बड़ी बुराई होगी, वो क्या होगी, वो होगी ग्रीड, यानी कि मुझे उसको उससे उबारना पड़ेगा, जो लोभ है, लालच है, कंपैरिजन है, क्योंकि बच्चा है, हम क्या देख रहे हैं, तो 6 ईयर तक की उसकी जर्नी जो है वो कंपैरिजन में बहुत ज्यादा चली गई, लोभ लालच में बहुत ज्यादा चली गई, जिसकी वजह से ये एक कारण रहा होगा कि वो अपनी उस जर्नी को नहीं पहुंच पा रहा था जहां तक कि वो पहुंचना था। अब यहां पर 0 to 6 ईयर की जर्नी, यहां पर उसने हमारे को एक हिंट दे दिया, ये लाइफ कैसी गई है, थोड़ा कंपैरिजन में, थोड़ा लोभ में, लालच में चली गई, राइट। अब मैंने देखा इस बच्चे की आगे की जर्नी कैसी गई है, रैंडमली मैंने चेक किया, वापिस थ्री आ रहा है, वापिस थ्री, यानी कि अब मेरे को अगले 3 साल, अब देखो 1 2 और 3, अब देखो ये मेरा फिजिकल प्लेन है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो हर प्लेन के बारे में आपको बताया जाएगा, तो ये क्या है, ये है हमारा जो 7 नंबर पे क्या आ रहा है, वो है कंसीट। कंसीट क्या होता है, मतलब कि किसी भी चीज का
एक मस्ती, किसी भी चीज को लेकर एक नशा, एक बुरी कंपनी का नशा। यहाँ पर अच्छी कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक बुरी कंपनी की बात है, क्योंकि ये हमारा एक फिजिकल प्लेन है, रूट चक्रा पे काम कर रहा है। मैंने पहले क्या चेक किया था, 0 to 6 years की जर्नी। अब ये जर्नी है मेरी कौन सी आ गई, 7 नंबर पे आई, यानी 3 + 3 = 6, 7 to 12 years की जर्नी जो है, वहां पर मुझे बच्चे को ये देखना होगा वो कहीं ना कहीं बुरी कंपनी में फंस जाएगा, बुरे यार दोस्तों में फंस रहा है। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर एक स्नेक की टेल भी आ रही है, तो इसका मतलब मुझे अपने बच्चे को इन चीजों से देख के चलना है कि वो यहाँ पर किसी बुरी कंपनी में भी, बुरे दोस्तों में भी फंसने की एक चांसेस बन रहे हैं। ये है मेरा फिजिकल प्लेन। हर रो का अलग अलग नाम दिया गया है, किस तरीके से किस रो में मुझे चलना है। ये था मेरा फिजिकल प्लेन। और मैंने बच्चे की जर्नी कहाँ तक चेक कर ली, पहले किया 0 to 6 years की जर्नी, फिर देखी 6 से 12 years की जर्नी। तो यहाँ पर 12 years तक मुझे बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आप उसकी ग्रह दशाओं भी देखोगे तो ग्रह दशा भी इस तरीके की बन रही होगी कि वो किसी तरीके की कोई बुरे यार दोस्तों में, किसी तरीके की कुछ बुरी आदतों में ना पड़ जाए। तो हमें यहाँ पर उसको सेव करके चलना है। अब मैं इसी बच्चे के लिए आगे की जर्नी चेक करती हूँ। मैंने आगे की जर्नी चेक की तो यहाँ पर कितना नंबर आ रहा है, 2, यानी मैंने 12 साल तक की चेक की थी, अब ये 2 मैंने आगे और ले लिए, तो इसका मतलब ये मेरी जर्नी हो गई 16 साल तक की। ये आ रहा है मेरा सेंसुअल प्लेन। सेंसुअल प्लेन का मतलब ये क्या हो गया कि डिजायर्स, ज्यादा डिजायर्स, क्रोध की, काम की, मतलब हम इसको बोलते हैं काम लोक, मतलब उस तरीके की डिजायर्स बच्चे के ऊपर घर कर गई हैं। तो इसका मतलब मुझे इस प्लेन में, मुझे इस बच्चे के बारे में पॉजिटिव कुछ भी नहीं मिल रहा, मुझे बहुत सारी चीजें नेगेटिव मिल रही हैं। तो मुझे इस नेगेटिव का कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने क्या चेक की, ये मैंने 16 साल तक की जर्नी एक किसी बच्चे के लिए रैंडमली किसी बच्चे के लिए चेक की। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव है, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी हमारे को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। पॉजिटिव जब आएगा तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन मैंने आपको एक पूरा जो प्लेन की जर्नी बाई चांस एक पूरा प्लेन यहाँ तक आया है, जिसको हमने नाम दिया, हमने नहीं नाम दिया, संत ज्ञान देव जी ने नाम दिया। ये है हमारा फिजिकल प्लेन जो हमारे रूट चक्रा से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से हम इस जर्नी को पढ़ते हैं, राइट। अब हमारा उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है यहाँ, ये देखो ये जो दिख रहा है ये हमारा उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य होता है यहाँ पे आना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे आना। यहाँ पर एज फैक्टर नहीं होती, कोई भी एज में यहाँ पर पहुंच सकते हैं। हो सकता है कि 40 में आ जाए, 42 में आ जाए, 48 में आ जाए, कब भी हो जाता है। तो यहाँ पर पहुंचते ही हमारी जो जर्नी है हमारी खत्म हो जाती है। तो हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमने यहां तक पहुंचना, राइट। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे हमारे लेडर्स भी दिखाए गए हैं, जैसे ये लेडर्स हैं, यानी नॉलेज, देखो ये लेडर्स बहुत सारे हैं, जैसे नॉलेज। अगर जब मेरे मैंने इस चीज को यूज किया लाइफ में, तो मेरे को लाइफ की ग्रोथ मिल रही है, जो ग्रोथ कहाँ तक जा रही है, कॉस्मिक गुड तक जा रही है। इसी तरह से एक पॉइंट हमारा आता है इनर्शिया, यहाँ इनर्शिया। अब अगर मैं इनर्शिया पर हूं या मैं इगोटिज्म पर हूं, ये मेरी लाइफ के एरियाज हैं। बेसिकली जो ये 72 बॉक्स आप देख रहे हो, इनफैक्ट ये बॉक्स नहीं है ना, ये पता है क्या है,
ये हमारी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कब मैंने क्या गलती कर दी या कब मैंने क्या अच्छा कर दिया। यानी कि वर्च्यूज भी हैं यहाँ और वाइस भी हैं, दोनों चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि हम कुंडली में देखते हैं, बहुत सारी ग्रह दशाएं जो हमें ग्रोथ दे जाती हैं, बहुत सारी ग्रह दशाएं जो हमें नुकसान कर जाती हैं, या कुछ भी नेगेटिव पॉइंट हमारी लाइफ में आ जाता है। मतलब कि समय के साथ लोगों ने इसको जरूर सांप सीढ़ी का खेल बना दिया, बट इनफैक्ट ये सांप सीढ़ी है नहीं, ये तो एक मोडेलिटी है, ये एक टेक्निक है अपने फॉर्च्यून को देखने की, अपने भविष्य को देखने की, अपनी सोल जर्नी को देखने की। जिसको बनाया किसने था? बनाया था संत ज्ञानदेव ने, लेकिन समय के साथ साथ थोड़ा लुप्त तो होता गया। अब ये तो भला हो अपना क्या बोलते हैं कोरोना का, और उसमें जो ये हमारी विद्याएं वापस उभर के आ गई हैं, हम तो ये समझ के चल रहे हैं, है ना। तो ये मैंने आपको एक ही प्लेन के बारे में बताया। ये थी हमारी एक प्लेन की जर्नी जो मैंने आपको दिखाया कि 16 साल तक की जर्नी हमने किस तरीके से पढ़ ली। ये हमने पढ़ ली 16 इयर्स तक की जर्नी। इसी तरीके से हम आगे भी पढ़ते हैं। एक मिनट, यस, ये था कि मोक्ष पट का मैंने आपको बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया कि जब हम इसको समझते हैं तो हम बहुत सारे वर्च्यूज, बहुत सारे वाइस इनको समझ के लाइफ में अपनाते हैं, और जो ग्रोथ हम चाहते हैं वहां तक हम पहुंच सकते हैं। तो क्या किसी को मोक्ष पट के बारे में किसी तरह का कोई डाउट? क्या ये सबको समझ में आया? किसी को अगर कुछ डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क। कमला जी अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र मैम, जय जिनेंद्र। आपने ये 9 से 16 का कैसे लिया मैम, ये समझ में नहीं आया नाइन देखो के बाद में। हाँ, इसमें ना एक प्रोसेस होता है, जैसे कि हम जब डाइस डालते हैं तो जितना भी नंबर, जब हम इसमें दो अलग अलग इंडेक्स चलते हैं, इंडेक्स कैसे, एक में तो हम ये जो बॉक्सेस है उसके ऊपर हम अपना क्रिस्टल सिर्फ उतना ही चलाते हैं जितना कि हमें यहाँ पर नंबर रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन जब हमने एज ऑफ इयर्स काउंट करने होते हैं जितना भी यहाँ पर आता है उसको प्लस डबल कर देते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर अगर आपने शुरू में देखा हो 2 आया था हाँ, या 3 आया था, जो भी थ्री आया था, आया 3 आया था, तो मैंने था। क्या कहा था, 0 to 6 ईयर की जर्नी, 3 + 3 6 हो गया। फिर उसके बाद जो भी नंबर आया तो फिर मैंने उसको डबल कर दिया, जो भी नंबर आया, ये प्रोसेस है, फॉर्मूला है, ये हमें इस फॉर्मूले के साथ साथ ही चलना है। जब हम एज ऑफ इयर्स काउंट करते हैं तो हम उसको डबल करते हैं, और जब हम अपना ये क्रिस्टल चलाते हैं तो वो उतना ही चलता जाएगा। यानी हमारे को ये देखना होता है 0 to 6 ईयर की जर्नी कैसी रही, 6 to 12 ईयर्स की मेरी लाइफ जर्नी कैसी थी, 12 to 18। कोई आपको कुछ नहीं बताएगा, किसी ने आपको नहीं बताया, आपके क्लाइंट ने आपको कुछ नहीं बताया, आप उसके बिना बताए आप यहां से कैलकुलेट कर लेते हो, काउंट कर लेते हो कि यहां पर तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ आया, यहां पर लाइफ में डिफॉल आया, यहां पर चीजें किस तरीके से आगे बढ़ी या घट गई, ऐसे काउंट किया जाता है। क्लियर? थैंक यू मैम। यस, प्रियंका
यस मैम, यही था मैम कि जैसे एज अ कस्टमर पूछेंगे लोग, तो इसमें हम क्या क्या प्रोडिक्शन दे सकते हैं, बस उनका एज बताएंगे, हम इस एज में उनके साथ ये हुआ था, ये घटित हुआ, ये हुआ, फिर इस टाइप से मैम हम क्या हम नहीं, फ्यूचर को भी ये बता तो मैंने सकते हैं? तुम्हें एक लाइफ की जर्नी दिखाई, ये मैंने तुम्हें क्या सिखाया, एक जैसे कुंडली देखते हैं, मैंने पूरी कुंडली देखनी सिखाई कि एक तरीका क्या है कि भाई मेरा बच्चा पैदा हुआ उसकी जर्नी कैसी है, 4 साल तक कैसा है, 8 साल तक कैसा है, 12 साल तक कैसा है, ये तो हो गई जी एक लाइफ जर्नी। लेकिन मेरी लाइफ में आगे भी तो चीजें होती है ना, आगे क्या है, बिल्कुल मैं बिजनेस स्टैंड कर रहा हूँ, मैं बिजनेस खड़ा करने वाला हूँ, या मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरा इसके बारे में क्या इंटरप्रिटेशन है, मेरा वो कैसा रहने वाला है, मेरा बिजनेस कैसा रहने वाला है, वो चीजें। जैसे मैंने अभी तुम्हें क्या कहा, मैं सिर्फ एक सिंगल डाइस से एक छोटा सा ग्लिम्स दे रही हूँ, जब उसको करेंगे तो हमें तीन तीन की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैसे रहेगा, वही तो टेक्निक है ना। यस मैम, ओके, थैंक क्लियर? यू, यस मैम, भावना, भावना जी, यस भावना जी, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और का देख लें। यस भावना, नहीं, हाँ जी, नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास परमात्मा की बिल्कुल, मेहर है, आप आपको देख के रुका नहीं गया मुझसे। ओ परमात्मा तो वापस जी की आपकी कृपा, क्लास में आ रही हूँ मैं फिर से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत तो स्वागत है। बस मैं वही वेट कर रही हूँ कि सर जल्दी से बताएं कितना पे करना है और मैं फटाफट पे अच्छा कर भावना, लूँ। अभी आपने मेरे साथ आकाशिक किया था ना शायद, नहीं, आकर्षक नहीं कर पाई थी मैम, उस बीच में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था क्या रीजंस थे पीछे, तो अच्छा। हाँ जी, तो मैं उस चक्कर में तब तो नहीं कर पाई थी। अच्छा अच्छा जी चलो कोई नहीं, स्वागत है। मैम, ओ हाँ भावना, जी, ओ अब कैमरा ऑन हाँ हुआ ना, भावना अब समझ श्रीवास्तव, आया। यस 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 मैम, अरे वाह, आपने तो अरे ओशो सेंड किया कृष्णा, था ना, हाँ ओशो जिन किया था और चलो वापस अभी ये मौका मिल रहा है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आओ आओ, ये जर्नी तो मैं वापस बस वही करेंगे। वेट कर रही हूँ। बिल्कुल, तो मैम एक मिनट, मुझे बस सिर्फ ना डेट्स कंफर्म करनी है अभी। मतलब मेरा ना थोड़ा सा इधर थोड़ा पैक्ड है, मुझे वही बस एक बार देखना है कि क्या डेट्स हैं। अगर नहीं ऑनलाइन हो पा रहा होता तो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, क्या होगा? रिकॉर्डिंग्स तो नहीं, हम मिलेंगी आपको मिलेंगी, लाइव ठीक ही है, कराएंगे, चिंता ना करें। ठीक है, मैं अभी दिखा ठीक है देता हूँ तो। कि हमारे कोर्स कब से स्टार्ट होने हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर, ठीक जी जी है? ठीक जी है, 1 मिनट रोक लीजिए बस। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, कृष्णा जी की भावना, बहुत टाइम कृपा। के बाद हम वापस आई हैं। हाँ हाँ जी, हाँ चलो बढ़िया है। तो ये सबसे पहला कोर्स है कंचन मैम के साथ हमारा, जो जी, कि हमने लॉन्च किया है। तो ये है हमारा 5 दिन का डाइस रीडिंग का कोर्स, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा जी है। एक ठीक है, ये आपके सामने है, एक हाँ जी, तो ये कंचन मैम के साथ हम 5 दिन का डाइस रीडिंग कोर्स, जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, कोर्स का जो टाइम है वो रहेगा रात को 8 से 9 या 9:15 तक, ठीक है। इस कोर्स जी की जो एग्जैक्ट फीस थी विद ऑल टैक्सी वो थी 4719, क्योंकि हमारा ये कोर्स था 3999 प्लस जीएसटी के साथ,
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंचन मैम और योगलक्ष्मी मैम जो कोर्स हैं वो बहुत लोग उस पर कराती हैं, तो उसको रिड्यूस करके अब हमने विद ऑल टैक्सेस जो हमारा प्राइस है वो है 2359, यानी कि 2360 रुपये। तो आप इस छोटे से अमाउंट के साथ कंचन मैम के साथ 5 दिन का डाई सेटिंग का कोर्स कल से अटेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा जो कोर्स है मोक्ष पत्रा या मोक्ष पत्रा। जैसा कि मैम ने आपको बताया कि एक एक पैटर्न है, यहाँ पर 5 एलिमेंट की बात भी होंगी, यहाँ पर 7 चक्रा की बात भी होंगी, यहाँ पर ज्योतिष की बात भी होगी, और कैसे हम ये जो सांप सीढ़ी का खेल है जिसमें 72 ब्लॉक्स होते हैं, अपनी या अपने क्लाइंट की लाइफ को कैसे डिकोड करेंगे, तो ये हम सीखेंगे। ये कोर्स हमारा जो है 10 से 12 क्लासेस का कम से कम रहेगा, और ये कोर्स टेंटेटिवली है 14th of अगस्त। हो सकता है एक दो ने आगे आगे पीछे हो जाए, ऐसा हो सकता है, तो 14 नहीं तो 15 से स्टार्ट हो जाएगा हमारा। जो हमारा टाइम रहेगा वही 8 बजे रहेगा टाइम, कोर्स का टाइम, और कोर्स की जो फीस है एग्जैक्ट विद ऑल टैक्सेस वैसे बनती है 9439, लेकिन क्योंकि कंचन मैम और योगलक्ष्मी मैम के कोर्स इन्होंने बोला है कि लो कॉस्ट लॉन्च करने हैं, तो हम इसको 5899 पर लॉन्च कर रहे हैं इसको, तो ये आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये है हमारा मोक्ष पत्रा का कोर्स का प्राइस एंड ड्यूरेशन, और अगर आप कॉम्बो करना चाहते हैं तो यस यू ऑल आर वेलकम। कॉम्बो कोर्स की जो फीस है हमारी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वैसे बनती है 14158, 14158, लेकिन इसको रिड्यूस करके हमने क्या किया है विद ऑल टैक्सेस 8258। इस छोटे से अमाउंट के साथ आप ये दोनों कोर्स कर सकते हैं हमसे, तो ऑल आर वेलकम। और समझिए मेरे को, मतलब आधे पैसे में ये कोर्स हो रहा है दोनों कोर्स मिलाकर, देखिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कोर्स से रिलेटेड ड्यूरेशन एंड प्राइस सबको पता लग गया होगा। फिर भी अगर किसी का डाउट है तो यू कैन आस्क मी, यस आई एम विद यू, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मैम, आप क्वेश्चन आंसर ले लीजिए, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो यस आई एम विद। कुसुम कुसुम जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। कुसुम जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। राधे 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 सर, मैडम, राधे मैं जी, पहली बार आपका ये ज्वाइन कर रही हूँ। मेरे को अच्छी थोड़ा बात है। हिंदी प्रॉब्लम है, मैं बेंगलोर वाले से हूँ। मेरे को PDF इंग्लिश में मिलेगा? हाँ, PDF इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए ये मैं हमारे अभी को कर हमारे यहाँ कोई भी कोर्स आप करते हैं तो लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आपको हिंदी इंग्लिश बंगला कुछ कुछ भी नहीं आता तब भी हम सिखा देंगे। तो हमारे यहाँ ना किसी भी कोर्स के लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करती, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या, ठीक मतलब है जी। लैंग्वेज है एक कम्युनिकेशन, कि हमने हमें अपनी बात आप तक को समझानी है, तो इंग्लिश में नहीं समझोगे हिंदी में समझाएंगे, हिंदी में नहीं समझोगे फ्रेंच में समझाएंगे, तो जिस भाषा में आप समझते हैं ना उस भाषा में आपको समझा देंगे, ठीक है। और आज ठीक के है डेट में ठीक तो है गूगल गूगल की इतनी मेहरबानी है, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी लिटरेचर को हम किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर बात करते, ठीक है। मगर मैं अभी कनाडा में हूँ, अक्टूबर में बेंगलोर जाती हूँ, तब अट्ठाईस ये पूरा परचेस करना है, अब इधर तो नहीं होता है ना, इसलिए। ठीक आपको लिंक दे दिया जाएगा, आपको है इजीली ठीक मिल है, जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, देखिए धन्यवाद। ये ना कभी भी हम कोई चाहते हैं ना कोई चीज कोर्स है कुछ भी, तो ये छोटी छोटी ऑब्स्टेकल पे ना ध्यान मत दो, सर कार्ड कहाँ से मिलेंगे, सर डाइस कहाँ से। अरे यार जब कोर्स करोगे तो भगवान अगर कोर्स करा रहा है तो उसका मटेरियल, उसके ऑब्जेक्ट अपने आप अरेंज कराएगा, समझो ना बात को। अगर भगवान ने आपको यहां तक लाके खड़ा कर दिया है कि यस कि आप कोर्स के लिए एलिजिबल हो, तो ये छोटे छोटे टूल्स और डाइस कहाँ से आएंगे, कार्ड कहाँ से मिलेंगे, मोक्ष पत्र, अरे अपना मिल जाएंगे,
कोर्स में एनरोल कराया है वो अपना आप अरेंज करेगा। तो छोटी बातें होती हैं इनके लिए, इसको इग्नोर करना छोड़ो, ठीक है, आगे बढ़ो जिंदगी में। यस मैम, प्लीज। प्रदीप जी, प्रदीप जी अनम्यूट करें, हाँ जी, प्रदीप प्रदीप जी जी रोल्स। बोलिए। हेलो देयर, आज आई कम फर्स्ट टाइम इन योर यू नो लाइव लाइक यू नो जूम, बट आर यू इंटरेस्टेड टू वाना यू नो लर्न अबाउट डाइस एंड लाइक यू नो एंड आई डोंट नो व्हाट लाइक अ टाइमिंग लाइक योर्स फॉर फ्रॉम यूके। ओके ओके। टाइम विल बी फिक्स्ड एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। आवर टाइम ऑफ दिस कोर्स विल बी 8 to 9:15 IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यू कैन मॉर्निंग यू नो 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 एम नाइट पीएम पीएम यस एम ओ डियर पीएम 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 दैट्स ओके। या ओके। तो यू कैन कन्वर्ट एज पर अकॉर्डिंग टू योर टाइम जोन। तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 8 to 9:15 PM। ओके दैट्स ग्रेट। कितने टाइम का कोर्स होएगा लाइक दोनों अगर करने चाहूं तो? बोथ द कोर्स, डाइस ट्रेडिंग कोर्स विल बी 5 days, एंड मोक्ष पटम कोर्स टेंटेटिवली 12 days, 10 to 12 days। तो अगर दोनों का पकड़े हैं तो 15 to 17 days। 15 to 17 ओके। देन आर यू गिविंग मी नोट्स एज वेल? या डेफिनेटली सभी स्टूडेंट के लिए, अगर आप पहली बार हमारे यहाँ से कोर्स कर रहे हैं तो जो भी हम कोर्स कराते हैं, यू विल गेट कोर्स मटेरियल, PDF फाइल, लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डिंग आल्सो। एंड कोडिंग ऑल्सो दैट्स बी ग्रेट ग्रेट। ओके कैन आई हैव सम यू नो डेमो? आई जस्ट वॉच लाइक मैम लाइक वीडियोस बट इट्स बी पॉसिबल टू गिव अ डेमो लिटिल बिट? नो मैम, एट दिस स्टेट वी आर नॉट कंफर्टेबल टू गिव यू डेमो, ओके, बिकॉज No, now, but like you know, if I want like talk to ma'am personally, you know, it's be डेफिनेटली or not? आई एम एग्री विद यू, बट अगर मैम की बात करें, मैम इज अराउंड 25 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑकल्ट साइंस, ओके। आई एम 15 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑकल्ट साइंस। इफ यू आस्क कि प्लीज गिव मी योर सम डेमो क्लास, तो वी आर नॉट It's not कंफर्टेबल। some demo class. I'm not asking for some demo class. यस यस I'm only यस, asking. वी विल प्रोवाइड यू द डेमो क्लास, बट नॉट एट दिस टाइम। इफ यू आस्क कि सर आई वॉन्ट टू नो सम मोर अबाउट मोक्ष पत्रम, डाइस रीडिंग, टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो वास्तु, ऑल दी साइंसेज, ओके, तो देन वी विल गिव यू द लिंक। वी हैव ओके ऑलरेडी 1800+ वीडियोज इन अवर यूट्यूब चैनल, दैट्स बी ग्रेट दैट्स बी ग्रेट ओके। या देन आई कैन सी यू हाउ कैन यू कीप लाइक यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल्स डॉक्टर नागेश तनवर, एंड ओके जस्ट टाइप व्हाट यू वांट टू लर्न, दैट यू वांट टू लर्न अबाउट डाइस रीडिंग, जस्ट टाइप डाइस रीडिंग। सम वीडियोस आर इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट क्लिक द वीडियो एंड यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन व्हाट यू वांट, ओके। और एनी अदर इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क विद अस, जस्ट गिव मी ए मैसेज और जस्ट यू कैन गिव मी कॉल, आई विल आंसर यू ऑल द क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी That's कोर्सेज। great. Thank you so much. That's great. Thank you. और ये सभी के लिए है। बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। अरे भैया, आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो, हम तो पुराने बैठे हैं, 15 साल हो गए, मैं आपको 25 साल हो गए पढ़ाते हुए। तो जस्ट आप करना क्या है, आपको डॉक्टर नागेश तनवर यूट्यूब चैनल पे जाना है, ठीक है। वहां पर जो भी आपको कोर्स समझ आता है, 70+ कोर्सेज वी आर टीचिंग, 70+ कोर्सेज,
इंडियाज फर्स्ट प्लेटफॉर्म एक्सट्रो गैलेक्सी टू लर्न, इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर देन 70 कोर्सेज, तो ज्वाइन अस, 70+ कोर्सेज हम आपको सिखाते हैं, 70+ कोर्सेज, ठीक है? तो कोई भी आपने कोर्स करना है तो जस्ट आप कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और जस्ट टाइप व्हाट यू वांट टू लर्न, रुद्राक्ष, जीवो सिंबल, सी सिंबल, कैंडल मैजिक, मैजिकल ऑयल, हीलिंग ऑयल, मैजिकल हर्ब्स, ओशोजन कार्ड, आकाशी कार्ड, आकाशी रिकॉर्ड, टैरो, वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, फेंगशुई, एनीथिंग यू वॉन्ट टू लर्न जस्ट टाइप, तो आपको वहां पर ना कुछ वीडियोस आएंगे सामने आपके, तो देखिए उनको, जब देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा, ठीक है? तो हिंदुस्तान के अंदर हमारा इकलौता प्लेटफॉर्म है जो आपको इतने सारे कोर्सेज एक छत के नीचे देता है विथ ऑथेंटिक नॉलेज एंड ऑथेंटिक लिटरेचर, ठीक है? तो हिंदुस्तान में कोई प्लेटफॉर्म नहीं हमारे मुकाबले का, ये हम प्राउड से बोल सकते हैं, जो एक प्लेटफॉर्म इतने सारे कोर्सेज कर रहा विथ नॉलेज। यस, दीप जी का हो गया, हाँ जी, एनीवन प्लीज, कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता प्लीज पूछिए। ओके, राकेश जी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था सब वो बोले कि सर मेरे यहाँ पर वो अराउंड 4 बजे के आसपास का टाइम रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है, आपके कंफर्ट जोन में आप सीख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं फिर मैम के साथ आकाश डाइस रीडिंग में, ठीक डाइस रीडिंग में। है? और बहुत सारे क्वेश्चन मैम आपकी तरफ से मैं पूछना चाहता हूँ, लोगों की तरफ से बहुत सारी क्वेरी ना आकाशिक रिकॉर्ड की दोबारा से आ रही है, तो मैं सभी को बताना चाहूंगा मैम के साथ हम आकाशिक रिकॉर्ड अगस्त एंड या सितंबर 1 वीक हम दोबारा से लेकर आएंगे मैम के साथ आकाशिक टैरो और आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो वेट कर लीजिएगा। और मैं चाहूंगा सभी लाइव करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि सर हम क्या रिकॉर्डिंग ले सकते हैं, देखो ले सकते हो है ना, हमें तो पैसा मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करता, एटलीस्ट आकाशिक रिकॉर्ड रिकमेंडेशन नहीं करता, मैं कहता हूं आकाशिक रिकॉर्ड आप मैम के साथ लाइव सीखिए, तब आपको वो एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स ना वो फील करने वाली बात है, वो मेडिटेशन वाली बात, उसके उसके अंदर कोई लिटरेचर नहीं है, जब मैम के साथ 1-to-1 कनेक्ट करेंगे ना आप जूम पर, तब मैम आपको जिस वर्ल्ड में लेके जाएंगे आप अपने साथ, तो फिर वो अलग ही बात है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता और मैं रिकॉर्डिंग देता भी नहीं, शायद एक स्टूडेंट को मैंने दी थी, होता ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए दी थी, लेकिन उसको दोबारा से हमने एनरोल कराया था लास्ट बैच में, शायद अब मैम आपने देखा होगा कि हाँ लास्ट बैच का स्टूडेंट है हमारा, तो आकाशीय रिकॉर्ड हम रिकॉर्डिंग नहीं देते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिकॉर्डिंग नहीं देते, देने का मतलब बेचते नहीं है, बेचने से पैसे मिलते हैं, लेकिन हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए, हमें पता वो समझ नहीं आएगा, तो आकाशीय रिकॉर्ड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सिर्फ लाइव ही पढ़ाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं बेचते, ठीक है? क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद है आपको ज्ञान देना, ज्ञान देना। और हमें पता है कि जिस ज्ञान से आपका भला होता है वो देंगे ना, रिकॉर्डिंग भेज दी आपको समझ नहीं आया तो पैसा तो आ गया हमारे पास, लेकिन हमें पता है वो ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, तो आकाशीय रिकॉर्ड की रिकॉर्डिंग खरीदने का कोई फायदा नहीं है, मैम के साथ जब भी बैठेगा लाइव बैठे, ठीक है? एक आध क्लास मिस हो जाती है वो अलग बात है, वो रिकॉर्डिंग आप देख लीजिए, फिर मैम के साथ नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन है आपको वो पूछ लीजिए, वो अलग बात है, ठीक है? तो चलिए फिर कल मिलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सबके खत्म हो चुके हैं, तो कल मैम के साथ डाइस रीडिंग करते हैं और फिर 5 से 6 दिन के बाद मैम के साथ हम मोक्ष पट्टम, बहुत अच्छी मॉडलिटी, मतलब आपको मजा आएगा, और जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं किसी भी ऐप के अंदर, चाहे एस्ट्रो टॉक है, एस्ट्रो योगी है, एस्ट्रो सेज है, गुरु जी है, उनके लिए ये छोटी छोटी मॉडलिटी बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि वहां पर क्लाइंट ना 20-20 गेम खेलने आता है आपके साथ, ठीक है? वो कहता है भाई मुझे नहीं पता भाई कहाँ कब तो कुंडली बनाएगा कब, तो उससे इंस्टेंट आंसर चाहिए, और ये इंस्टेंट आंसर देने के लिए मोक्ष पटम, चाहे मैम का ये कैंडल मैजिक है, चाहे कंचन मैम का डाइस रीडिंग है,
चाहे रुद्राक्ष है, जीवू सिंबल है, क्रिस्टल है, ये छोटी छोटी चीजें है ना, ये आपको बड़ा बेनिफिट देती हैं। तो ये सीखिए और अपनी लाइफ में मेरा कर लीजिए, ठीक है? चलिए फिर कल मिलते हैं मैम के ठीक है, साथ। थैंक यू मैम, आपने अच्छी नॉलेज दी। एटली लोगों को बताया कि मोक्ष पटप होता क्या है, कैसे से प्रिडिक्शन निकालते हैं। बहुत अच्छी है, मतलब आपको मजा आएगा। ये तो कहते हैं ना, डेमो है एक तरह से। जब आप सीखते हैं ना तो 360 डिग्री आप सीखते हैं कि कैसे से प्रेडिक्शन निकाली जाती है, ठीक है? तो खेल ऑल द खेल के वेलकम, सीखेंगे और भी मजा आएगा। बहुत मजा आता है। मतलब इनको पता नहीं, जो लोग कर चुके हैं ना वो फीडबैक जो देते हैं ना कि मैम के साथ इतना मजा आया सीखकर, मतलब मजाक मजाक में हमने कितना कुछ सीख लिया, लोग पीछे से फीडबैक देते हैं। चलिए कल मिलते हैं सभी के साथ। थैंक यू सबको मैम, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए, और आज का एनर्जी एक्सचेंज है सिर्फ और सिर्फ जय श्री कृष्ण। और कहते हैं ना, एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है, तो भैया जय श्री कृष्ण बोल दो, बात खत्म, ठीक है? चलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जय मैम, श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण, मैम सर, जय श्री कृष्ण मैम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण मैम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर जी, जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण, मैम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर जय जी, श्री कृष्ण जय श्री मैम, कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।